मासूम के रुतबे के मासूम के रुतबे के बराबर नहीं कोई के मासूम के रुतबे के बराबर नहीं कोई। चौदह के सिवा तीन का रहबर नहीं कोई। चौदह के सिवा तीन का रहबर नहीं कोई। और इस के चौदह के सिवा तीन का रहबर नहीं कोई। चौदह के सिवा तीन का रहबर नहीं कोई। एक सलावत पढ़ दिया सलावत बाहर के मासूम के रुतबे के बराबर नहीं कोई। चौदह के सिवा तीन का रहबर नहीं कोई। के तुम लाख भगाड़ों को भी जरार बना लो। हालात यात्रा अभी गुजरा है के तुम लाख लाख भगाड़ों को भी जरार बना लो। हैदर के सिवा फातह खैबर नहीं कोई। मिलके भाई यार के हैदर के सिवा फातह खैबर नहीं कोई। हैदर के सिवा फातह खैबर नहीं कोई। के मुफ्ती को यही खौफ है इस कौम के बच्चे कम सिन है मगर इल्म में कम तर नहीं कोए। कम सिन है मगर इल्म में कम तर नहीं कोई। कि ये खैमा सरवर के चरागों ने बताया अंसार हुसैन आपसे बेहतर नहीं कोए। कि अंसार हुसैन आपसे कि अंसार हुसैन आपसे बेहतर नहीं कोई। आहिस्ता से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि शेर अच्छा नहीं है, और खास फरमाए के अंसार हुसैन आपसे बेहतर नहीं कोई। शेर पर पूरे मजमू की तवज्जो चाहता हूं, और खास समाप्त फरमाए के शाबीर ने बांधा था जो पेशानी हुए पे। सुने बताओ रेखा के शाबीर ने बांधा था जो पेशानी हुए पे। अरे ऐसा तो रसूलों का भी जेवर नहीं कोए। ऐसा तो रसूलों का भी जेवर नहीं कोए। ऐसा तो रसूलों का भी कोई। थोड़ा थोड़ा सा जुड़ गया। ऐसा तो रसूलों का भी जेवर नहीं कोई। अरे शब्बीर ने बांधा था जो पेशानी हुए पे। ऐसा तो रसूलों का भी जेवर नहीं कोई। काफिया समाप्त फरमाए बतौर खास आप सबकी जानिब से शेर पेश करता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाए के जन्नत से सदा देंगी ये जहरा सर मैशे। के जन्नत से सदा देंगी ये जहरा सर मैशे।
अरे सरवर का ज्यादा तो बाहर नहीं कोई, सरवर का ज्यादा तो मिलके भाई मिलके मिलके हैदरी सरवर का ज्यादा तो नारे हैदरी 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 के जन्नत से सदा देंगी ये जहरा सर मेश के सरवर का आजादार तो बाहर नहीं कोई, सरवर का आजादार तो के सरवर का आजादार तो बाहर नहीं कोई। दुआएं देने वाले जा चुके हैं, बता देने वाले के सरवर का आजादार तो बाहर नहीं कोई के जहरा के बतौर खास मत सुनाए के जहरा के गुनाहगार पे लानत ना हो जिसे पे के जहरा के जहरा के गुनाहगार पे लानत ना हो जिसे पे अरे वो ठेर है लकड़ी का वो मिंबर नहीं कोई, जुड़ के भाई लाना पेश के जहरा के गुनाहगार पे लानत ना हो जिस पे वो ढेर है लकड़ी का वो मिंबर नहीं कोई, मिंबर नहीं कोई। सिलसिले का आखिरी शेर पेश करता हूं, अगर किसी आया तो दुआएं के नैजे पा कदे हजरते शबीर तो देखो, बतौर खास नैजे पा नैजे पा कदे हजरते शबीर तो देखो अरे इतनी तो बुलंदी पे पैगंबर नहीं गोए के इतनी तो बुलंदी पे हैदर 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 मिलके हैदरी बिल्कुल बिल्कुल ताजा कलाम मैं पहली मरतबा बस यही बतौर खास समर्थ मैं बतौर खास एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें आप जरा बिल्कुल नया कदम पेश खबर ये आम हुई हुर के आस्ताने में बता रहे यह दुनिया का कलाम मैंने सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए क्योंकि यहाँ की समाते यकीन इतनी अच्छी है कि अच्छे शेर पढ़ने का दिल करता है। बता रहे खबर ये आम हुई
कोई हुर के आस्ताने में, सवेरा चाहिए तकदीर को जगाने में, कि सवेरा चाहिए तकदीर को जगाने में, कि सवेरा चाहिए तकदीर को जगाने में। जो खैबर का एक किला था वो पूरा मतलब उसमें सब कुछ था, ये काफी अभी देखिए बतौर खास कि जनाबे शेख जो मरहब के हाथ लग जाते, बतौर खास समाप्त फरमाए कि जनाबे शेख के जनाबे शेख इस रुख से भी तवज्जो के जनाबे शेख, जनाबे शेख जो मरहब के हाथ लग जाते तो डाले जाते वो खैबर के कैद खाने में, तो डाले जाते वो खैबर के कैद खाने में, के खुदा के हुक्म से हैदर वसी बनाए गए, के खुदा के हुक्म से हैदर वसी बनाए गए, बने हैं आप सकीफाई कारखाने में, के बने हैं आप सकीफाई कारखाने में, के बने हैं आप सकीफाई कारखाने में। देखिए अच्छा शेर मुताज नहीं होता कि बहुत कुबर लगा के पड़ी है, पेश करता हूँ बतौर खास समाप्त में। किसी भी दुश्मन सहरा से रखे हमदर्दी, किसी भी दुश्मन सहरा से रखे हमदर्दी, नहीं है कोई भी ऐसा मेरे घराने में, नहीं है ऐसा कोई भी मेरे घराने में, कि किसी भी दुश्मन जहरा से रखे हमदर्दी, नहीं है कोई भी ऐसा मेरे घराने में। कसम खुदा की मुझे खूब लुत्फ आता है कि मुकस्सरीन को जिक्र अली सुनाने में, इनको जिक्र अली सुनाने में, मुकस्सरीन को जिक्र अली सुनाने में। ये पांच शेर मैंने दूसरी लहज के कहते हैं, पांच शेर बतौर खास समाप्त में। जनाबे शेख जो मरहब के हाथ आ जाते, जनाबे शेख जो मरहब के हाथ आ जाते तो डाले जाते वो खैबर के कैद खाने में, तो डाले जाते वो खैबर के कैद खाने में। उनको शुजा कहते हैं, अजीब लोग हैं उनको शुजा कहते हैं, जो अव्वलीन थे मैदान से भाग जाने में, जो अव्वलीन हैं, जो अव्वलीन थे मैदान से भाग जाने में, जो अव्वलीन थे मैदान से भाग जाने में। यहाँ से चार छह खास के बगौर देखिए तस्बीह फातिमा ज़हरा, बहुत कीमती शेर है बतौर खास समय के बगौर देखिए तस्बीह फातिमा ज़हरा, बगौर देखिए तस्बीह फातिमा ज़हरा, रुखे हुसैन उभरता है दान दान, के रुखे हुसैन उभरता दान दान में, रुखे हुसैन उभरता है दान दान में। ये
ये शेर बतौर खास हासिले करना, शेर एक एक आदमी के लिए बच्चों भाई बतौर खास समाप्त करना। अगर शेर कोई बात हो तो मुझे दुआएं चाहिए बतौर खास समाप्त करना। देखिए भाई कि सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, अगर शेर पहुंच जाए तो मुझे मेरी हक की दुआएं चाहिए। के सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, के सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, कुछ आयतें भी लगी थी रिदा बनाने, के कुछ आयतें भी लगी थी रिदा हैदरी, सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, कुछ आयतें भी लगी थी रिदा बनाने में, कुछ आयतें भी लगी थी रिदा बनाने में। अभी से रोने लगा लश्करे यजीद नजिस, अभी से रोने लगा, अभी से रोने लगा लश्करे, अभी से रोने लगा लश्करे यजीद नजिस, अभी से रोने लगा लश्करे यजीद नजिस, अभी तो वक्त है असगर के मुस्कुराने में, अभी तो वक्त है असगर के मुस्कुराने में। अभी तो वक्त है असगर के मुस्कुराने में, अभी से रोने लगा लश्करे यजीद नजिस, अभी तो वक्त है असगर के मुस्कुराने में। पेश करता हूँ, देखेंगे कि अभी तो वक्त है असगर के मुस्कुराने में, कि दवाते आम नहीं खून से काम लेते हैं। बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं कि दवाते आम नहीं खून से काम लेते हैं, कि दवाते आम नहीं खून से काम लेते हैं, मुसव्वरीन भी कर वो बला बनाने में, कर वो बला बनाने में। कि ये कह के हाथ कटाए चरीन दरिया पर, ये कह के हाथ कटाए जरीन दरिया पर, ये कह के हाथ कटाए जरीन दरिया पर, ये काम आएंगे शहरे वफा सजाने में, ये काम आएंगे शहरे वफा सजाने में। अरे सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, के सरे बतूल पे रहना था इसलिए शायद, कुछ आयतें भी लगी थी रिदा बनाने में, कुछ आयतें लगी थी रिदा बनाने में। एक सलवात इरशाद फरमा दें आप सब, अभी तक मैं पढ़ा था ना सबसे चार में से पेश करता हूँ, नौजवान भी सुन लें बुजुर्ग भी दुआएं। के हैदर की विलायत के जो ऐलान हुए हैं, बताओ रे खास समझ में, हैदर की विलायत के जो
ऐलान हुए गए। हर बार कई लोग परेशान हुए गए, हर बार कई लोग परेशान हुए गए। हर बार कई लोग परेशान हुए हैं के पतिलाओ बने बैठे हैं उम्मत के खलीफा। जो 80 बरस बाद मुसलमान हुए हैं, बहुत शुक्रिया या अली, जो लोग जा रहे हैं मैं फिर वापस जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं एक मतला और चार पांच शेर और पेश करता हूँ, उसके बाद रहमत तमाम हो जाएगी। भाई थोड़ा सा सुन लीजिएगा, एक बलंतरीन सलवात पढ़ते हैं आप। हल्लौर में एक मिसरा हुआ था, उसी में कुछ पेश एक सलवात और इशारत बना देने वाला कि अल्लाह जो पढ़े वो अमर बख्श कि अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। अरे कौसर तुम्हारे नाम पे उतरा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो खास चार पांच शेर इसके बाद कि अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। के टुकड़ों पपल रहे हैं मुसलमान आज तक, के टुकड़ों पपल रहे हैं मुसलमान आज तक। अरे इस रुख से देखिए तो खदीजा है फातिमा, अल्लाह पढ़े वो कसीदा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा, पढ़े वो बतौर खास बरादर सुने बतौर खास कि एक पल नजर उठाई तो आंखें झुलस गईं। बतौर खास समाप्त फरमाए कि एक पल नजर उठाई तो आंखें झुलस गईं। अरे शायद के आफताब पे लिखा है फातिमा, अल्लाह है जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। देखिए बहुत शुक्रिया, ये मेरा मुकद्दर था कि सब तक नहीं पहुंचा कोई कि एक पल नजर उठाई तो आंखें झुलस गईं, कि शायद के आफताब पे लिखा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। पानी
जनाब सैयदा के महल का हिस्सा है, बतौर खास इसको अपनी ज़ाहिर में रखें कि ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, अगर पहुंच जाए शेर कि ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, अरे पानी तुम्हारे महल का हिस्सा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो अल्लाह जो पढ़े वो मुझे एहसास है कि आप लोग थक गए हैं, बस दो शेर की और गाना गा। अल्लाह जो पढ़े ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, अरे पानी तुम्हारे महल का हिस्सा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा, सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, पानी तुम्हारे महल का हिस्सा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो। एक शेर और गाजी के लिए पढ़ता हूँ बतौर खास, अल्लाह ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, पानी तुम्हारे महल का हिस्सा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। इतना बहुत है इसमत अब्बास के लिए, कि इतना बहुत है इसमत अब्बास के लिए, कि है दल आगे दलील तो दावा है फातिमा, अल्लाह जो है दरी है दरी है दरी, के इतना बहुत है इसमत अब्बास के लिए, के है दलील तो दावा है फातिमा, के ये सोच के जरी ने लगाई नहीं थी आग, ये सोच कर जरी ने लगाई नहीं थी आग, अरे पानी तुम्हारे महल का हिस्सा है फातिमा, अल्लाह जो पढ़े वो कसीदा है फातिमा। अल्लाह जो पढ़े वो नौजवान मेरे साथ रहे आखिरी शेर तमाम, के खासिब सभी फदक के खड़े हैं कतार में, सुनेंगे बतौर खास, के कासिब सभी फिदक के खड़े हैं कतार में, अरे क्या फैसला बताओ तुम्हारा है फातिमा, अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या फैसला बताओ तुम्हारा है फातिमा।